लॉकडाउन के चौथे चरण में बुधवार को भी महानगर में चहल पहल दिखा। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मोटरसाइकिल वाहन पर केवल एक व्यक्ति को ही बैठने की परमिशन है। अगर महिला है तो वह हेलमेट और मास्क लगाकर बैठ सकती है और चारपहिया वाहन में ड्राइवर को लेकर 3 लोगों को बैठने का परमिशन है। यदि 2 छोटे बच्चे हैं तो उनको भी मास्क लगाकर बैठने की परमिशन है। उसी क्रम में 100 गाड़ियों का चालान किया गया। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, साथ नहीं चलेंगे सर। मास्क उससे कोई मतलब नहीं है, 2 आदमी एक साथ नहीं चलेंगे।
हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े होकर परेशान हो, वही बात मानोगे? मास्क लगाए जेब में घूम रहा है, जाओ चलो उधर जाओ, उधर कल से गाड़ी सीज करूँगा। पत्नी है, दो सवारी चलेंगे, दूसरा भी हेलमेट अब पहनेगा अगर पत्नी जा रही है तो। ये ध्यान रखिए कि आज मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, कल से आपको चालान करूँगा। अगर पत्नी, बच्ची, बेटी कोई भी साथ महिला जा रही है, बिना हेलमेट के नहीं जाएगी। चलिए जी, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें यह है कि दो पहिया वाहनों पे एक व्यक्ति वाहन चलाएगा, और यदि महिला कोई हैं तो दो लोग जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों लोग या सिंगल व्यक्ति हेलमेट अवश्य लगाएंगे, मास्क अवश्य लगाएंगे। इसी प्रकार से चार पहिया वाहन में एक ड्राइवर और दो सवारी जा सकते हैं, और यदि बच्चे दो हैं तो वो भी दो साथ में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यातायात के नियमों का अन्य उल्लंघन करेंगे उनमें भी चालान किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 100 चालान किए हैं। कोई अपील आपके द्वारा? हमारे द्वारा अपील यही है कि लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस दी गई उनका पालन करें, साथ में अपने आप को कोरोना से बचाव रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की एक डिस्टेंस बताई गई है, जो हाथ धुलने की बार बार अपील की जाती है, सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करने की अपील की जाती है, तो आप इन सभी को भी ध्यान में रखें और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें।